वेलकम बैक दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में सागर बर्ड केयर में। तो मेरा नाम सागर है दोस्तों, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। तो आज मैं सोचा कि मैं जो कबूतर है तो बच्चे कुछ में बन गए हैं, कुछ में नहीं बने। एक जोड़ा है मेरे घर पे, ये वाला अब देख पा रहे होंगे, इसने पिछले अंडे जो है ख़राब कर दिए थे और इसने नेक्स्ट अंडे दे दिया अभी। तो अभी तो समझ लो मेरे घर पे दोस्तों दो कबूतर थे आई है, इसकी तो मैंने वीडियो डाली हुई है, अपडेट दिया हुआ है कि इसकी जो मादी है, इसकी मादी जो है वो ख़त्म हो गई है और इसकी भी मादी जो है ख़त्म हो गई है। और आप देख पा रहे होंगे ये जो है दबके बैठ रही है अभी। तो ये दो दिन से तो मुँह नहीं मारी थी दानों पे ठंडे ठंडे के वजह से, तो अभी इसको मैं दवाई भी दे रहा हूँ। जो सर्दी का इलाज मैंने बता हुआ है यूट्यूब पे, मैंने डाला हुआ है मेरे चैनल पे वीडियो, तो वो भी आप देख सकते हो इसके बाद में। तो दोस्तों मैं अब ये बताने वाला हूँ आज आपको कि अनफर्टाइल अंडे को कैसे चेक करें, अनफर्टाइल अंडा जो होता है उसको कैसे चेक किया जाता है वो मैं बताऊंगा आपको। और मेरे घर पे जो अभी ब्रीडिंग प्रोग्रेस जो है उसकी वीडियो भी आने वाली है, इसके बाद में वीडियो जो है ब्रीडिंग प्रोग्रेस की मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों। और ये जो बच्चा है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो बच्चा है ये आप देख पा रहे, ये जो वीडियो में आपको शो हो रहा हूँ, ये कौन से जोड़े का बच्चा है और इसका बाप कौन सा है। इसका बाप जो है ये है और इसकी माँ जो है ये है, और इसके और जो भाई बहन है मेरे घर पे और तीन जने हैं, ये एक जोड़े के तीन जने हैं। तो ये भी मैं अभी कल आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ इसका वाला क्या सीन है। तो ओके, इसके पर, इसकी आँख, इसके और अभी ये जो है इसके माँ को लगा हुआ है कि मैं चल रहा कि प्योरिटी में निकले। इसकी माँ का जो नस्ल है, इसकी माँ की जो नस्ल है वही नस्ल में ये क्वालिटी, ये कलर मेरे को होना मेरे घर पर, तो उसमें मैं वर्किंग कर रहा हूँ दोस्तों। तो वो मैं आपको दिखाऊँगा बाद में। तो बच्चा जो है वो दूसरे के खन का इधर आ चुका है अभी, इसको अपन ऊपर कर देंगे। तो ये जोड़ा जो है दोस्तों इनका बच्चा है ये, वो दोनों के बच्चे मैंने इसलिए निकाला हुआ है, मैंने बोला ट्रायल पे चलते सब। तो मैं दिखाऊंगा दोस्तों आपको अभी अंडा, जो अनफर्टाइल अंडा जो मादी का अभी है वो मैं जोड़े का दिखाऊँगा, बाकी सब जो मैंने चेक किए हुए हैं पहले। तो ये आपने ऐसे लाइट के सामने रखना है, देखिए आप, ये अनफर्टाइल है दोस्तों, इसमें बच्चा नहीं बना हुआ है, इसमें नहीं बना हुआ है। जिसमें बनेंगे ना तो उसमें क्या होगा, आपको नसें दिखेंगी अंडे के अंदर में, नसें बनी हुई होंगी और दिल दो जो धड़कन जो होती है वो चलती रहेंगी अंदर, बीच में आपको दिखेगा लाल लाल दिखेगा कुछ। तो इसके साथ वाला जो अंडा है दोस्तों वो दिखाऊँगा अभी आपको, ये देख पा रहे होंगे आप, इसके साथ वाला जो है पूरा काला काला हो गया है। तो इसके अंदर जो है दोस्तों बच्चा बन रहा है अभी, और शुरुआत में आपको कैसे समझेगा तो मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो अभी मेरे घर पे दूसरी एक मादी है, ये वाली जो मादी आप देख पा रहे होंगे, ये वाली, इसके पहले अंडे ख़राब हो गए थे, अंडे देने के बाद में बीमार हो गई थी, सोखे में चली गई थी, तो इसको मैंने रिपेयर कर दिया, अभी ठीक हो गई है ये। तो इसको अभी निकाल देंगे खन से बाहर। और इसके जो अंडे हैं दोस्तों इसमें आप देख पा रहे होंगे, आप देखेंगे कि पूरा आपको क्लियर कट आपको समझ में आएगा कि देख पा रहे होंगे ये जो अंडा है, आप थोड़ा सी क्वालिटी में थोड़ा इशू हो रहा है थोड़ा, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कुछ ना कुछ आपको दिख रहा होगा, अभी दिख रहा होगा। तो इसमें देख पा रहे होंगे आप नसें बनी हुई हैं, और जो धड़कने का जो दिल होता है वो जो धड़कन होती है वो भी इसमें चल रही है दोस्तों बराबर, प्रॉपर नसें बनी हुई हैं एकदम। अभी क्या मालूम वो मादी कैसे है, नहीं है अभी, तो अंडा कैसे घोती है क्या घोती है वो भी देखेंगे अपन। ओके दोस्तों, और उसके साथ वाला दूसरा जो अंडा है दोस्तों वो भी दिखाऊंगा मैं। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों इसमें भी जो है नसें जो है बनी हुई है, आप देख पा रहे होंगे इधर से ऐसी थोड़ी नसें बनी हुई है, और जो कैमरा जो है मेरा है थोड़ा धुंधला धुंधला सा इसमें दिख रहा है अभी। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ तक, यहाँ पे जो है ना ये दिल, ये जो धड़कन है इसकी चल रही है यहाँ पे, और ये जो देख पा रहे होंगे आप नसें, ये नसें बन गई है अभी। तो ये अंडे फर्टाइल है, अनफर्टाइल अंडा जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था वो सबसे पहले जो अनफर्टाइल अंडा मैं वापस से एक बार आपको चेक कराऊँगा, यही है दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे अनफर्टाइल अंडा इसको बोलते हैं दोस्तों। इसमें कुछ नहीं बना हुआ है, ना इसमें नसें बनी हुई हैं ना कुछ, इसमें पानी है सिर्फ, जो अंडे में जो पानी होता है ना वही पानी है दोस्तों इसमें, बस देख पा रहे होंगे पूरा पीला पीला सा है। ओके, जब भी अंडा 10 दिन के बाद में या 5 दिन के बाद में आप चेक करें तो आपको इसमें नसें बनी हुई दिखेंगी, जैसे मैंने आपको पहले अंडे जो दिखाया है उसमें जो नसें आपको दिख पा रहे होंगे या देखे होंगे आपने वो।
ओके दोस्तों, तो मैंने क्या किया था, ये जो फुलवर जो मादी आपको दिखाया मैंने, इसके जो अंडे है इसके नीचे डाल दिया था, इसके नीचे। तो इसके नीचे बच्चे निकल जाएंगे 2-3 दिन के बाद में, और इसके बच्चे आज रात भरे में इसके बच्चे निकलने वाले हैं। तो बच्चे निकलने के बाद में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे क्या मेरे घर पे सीन चल रहा कबूतर का। ओके दोस्तों, तो 2 अंडे इसने दिए था, 1 अंडा ख़राब है उसमें का, वो बच्चे वो निकालने के बाद में मैं फेंक दूंगा निकाल के। चलो दोस्तों, अभी इसको अपना इनको कबूतरों को अपने दाना डालते, दाना डाल रहा हूँ मैं। अभी रात के बज रहे 12, क्योंकि जो कोजागिरी होती है ना दोस्तों, तो दूध ये करते, गरम करते दूध को, और दूध का कुछ तो भी आइटम बनाती है वो, कोजागिरी होती है, तो उसमें था मैं अभी तक। तो अभी इनको दाना डालता हूँ और आपको दिखाऊंगा, या फिर देखेंगे क्या होता है। तो ओके दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी होंगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको समझ में आया होगा कि बा। और देख पा रहे होंगे नर के अंडे मैंने हटा लिया, और उसके नीचे मैंने नींबू रखा था, तो नर जो है वो नींबू पे बैठ गया, देख पा रहे होंगे आप, हरा हरा नींबू जो था वो खन में था। ये वाले जोड़े के जो बच्चे अंडे जो है वो इसके नीचे डाल दिया, और इसकी जो बच्ची है ना दोस्तों, उसकी पट्टी ये वो जो अंडे पे उधर बैठी हुई है, ये नर को मैंने पिलंगी लगा दी, तो ऐसे जोड़ा था वो, तो मैंने लगा दिया। अभी तो ऐसा सीन चल रहा अपने घर पर। अभी कलसरा जो है, इसका बच्चा भी निकल गया अपने घर पर नीला, और इसकी मादी नहीं है जाग दो बाज की, उसको भी मादी लानी की है, या घर का जो भी बच्चा है कहना मादी वादी बन जाएगा। अभी तो देखो इसमें बच्चे 2 बने हुए हैं, एक बच्चा नीचे बना हुआ है, एक बच्चा इधर बना हुआ है, और इनके बच्चे निकलने वाले हैं। इसके 2 अंडे फटाए ले, इनके भी 2 अंडे फटाए ले, और वो भी अंडे जो उसके है वो भी फटाए ले। और ये जो चीना आप देख पा रहे होंगे, इसके बच्चे अपने घर पर सफ़ेद मादी लगा दिया मैंने उसको, ये वाली मादी है उसको सफ़ेद, ये वाले नर को, तो उसने हमारे इधर उसको गेरवे बोलते, आपके इधर क्या बोलते क्या मालूम, तो वो इटकरी कलर के जो होते हैं ना लाल वाले कबूतर, लाल पूरे लाल होते हैं वो बच्चा निकला हुआ है इसका। जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, जूम नहीं हो रहा दोस्तों, क्या कुछ तभी सीन हो गया। तो लाल बच्चा निकला हुआ है, जो बड़ा होने के बाद में मैं थोड़ा दिखाऊंगा आपको, इतने साइज का होने के बाद में सब बच्चे दिखाने वाला हूँ मैं। ओके दोस्तों, तो वीडियो अच्छे लगे होंगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर करें अपने दोस्तों में जो कबूतर का शौक करते होंगे। ओके दोस्तों, तो ये देख पा रहे होंगे आप। चलो दोस्तों, अभी इनको मैं दाना वाना डालता हूँ, पानी वानी रखता हूँ। ओके, तो ठंड में इनको मैं ढक के रख रहा हूँ थोड़ा। ओके दोस्तों, तो आप भी आपके कबूतर को ढक के रखें थोड़ा, आप अच्छा लेके चलेंगे तो आपके कबूतर जो अच्छे वाले होंगे वो ज़ाया नहीं होंगे, क्योंकि मेरे वो कबूतर अभी जो है वो ज़ाया हो गए बीमारी के कारण, अपने आप ही ख़त्म हो गए वो, क्योंकि अच्छे ही थे, ऐसे गुटा कर रहे समझ लो, ऐसे दाना वाना खा रहे, घूम रहे दाना पानी पी रहे, ऐसे साइज़ में बोले तो एकदम फुल कंडीशन में थे कबूतर। अपने आप ही उनने पानी वानी पिया, दाना वाना खाया, और सुबह में खोलने को आया जो कबूतर जो थे वो मरे हुए दिखे मेरे को, दोनों को दोनों मादा। ओके, ऐसा कुछ सीन हो गया वो, तो ऐसा आपके घर पे ना हो इसलिए आप थोड़ी ये करें, क्या बोलते हो, थोड़ा ध्यान दे कबूतरों पे। ओके दोस्तों।